हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी मैट समोसा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैट समोसा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैदा लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, माइन के लिए ऑयल यूज़ करूँगी और फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ करूँगी। और स्टफिंग के लिए 2 बॉइल्ड पोटैटो मैश करके रखा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। मैदा में नमक ऐड कर दिया और माइन के लिए ऑयल 2 चम्मच। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने को बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और डो बना लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और एक मीडियम डो बना लूँगी। ऐसे मल मल के अच्छी तरह से डो बना लिया। अभी 15 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए। बॉयल पोटैटो में सारे ड्राई मसाला ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मसाला को मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। डो अच्छी तरह से सेट हो गया और एक बार मल के तैयार कर लेती हूँ। छोटा छोटा बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। एक बॉल्स को उठा के ऐसे लोहिया बना के बड़ा रोटी का आकार बेल के पहले रेडी करूंगी। ऐसे बड़ा बेल के रेडी किया। अभी साइड का पार्ट काट के डिस्कट कर देती हूँ। एक रेक्टेंगल का शेप और बीच में 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे एक स्टिप ऐसे रख के सीधा रख के उसके ऊपर और एक स्टिप रख लेने का, बीच में पानी ऐड कर देने का, जैसे प्लास होता है ना ऐसे रख देने का और अच्छी तरह से बीच में दबा देने का और जो फिलिंग्स बनाया वो ऐसे स्टफिंग अंदर ऐड कर देती हूँ और इक्वल स्प्रेड कर देती हूँ क्योंकि मैट का फिनिशिंग आएगा। एक पार्ट एक से लगा लेती हूँ, दूसरे पार्ट भी ऐसे दबा के अच्छी तरह से दबा दिया। अभी जो 2 पार्ट रह गया उसमें ऐसे छोटा छोटा स्टिप के जैसे काट लेने का। सेम ऐसे इधर भी कर लेने का। ऐसे कट के रेडी किया। पहले ऐसे उठा के किनारा इधर चिपका देने का, दूसरा पीस लेके ऐसे कट के इधर चिपका देने का किनारा पे। सेकंड ऐसे इधर भी सेकंड स्टिप ऐसे चिपका देने का। 1 by 1 ऐसे चिपका देने का। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है बाद में एडजस्ट कर लूंगी। ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से स्टिप ऐड कर देने का। लास्ट में जो है वो भी ऐसे दबाते हुए स्टिप ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से चारों किनारा दबाते हुए अच्छी तरह से साइड का जो पोर्शन है वो कट के डिस्कट कर देती हूँ। ऐसे मैट समोसा तैयार कर लेती हूँ। ऐसे रेक्टेंगल शेप में पहले बेल के साइड कट के रेडी कर लेने का, 2 पार्ट में डिवाइड करने का
एक स्टिप उठा के बीच में ऐड कर देने का, जैसे प्लस का सिंबल होता है ऐसे, और अच्छी तरह से दबा देने का। और बीच में जो स्टफिंग बनाया वो ऐड कर देने का, और इक्वल अच्छी तरह से स्प्रेड कर देने का। ऐसे ऐसे एक पट्टी लेके चारों साइड अच्छी तरह से दबाते हुए सेकेंड पार्ट भी साइड को अच्छी तरह से दबा के सेट कर देने का। और जो दो स्टिप बचे हैं उसमें डिज़ाइन करूँगी मैट का, तो इसके लिए छोटा छोटा स्टिप में कट के पहले रेडी कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही घुमा लेती हूँ और छोटा छोटा स्टिप तैयार कर लेती हूँ। पहले एक स्टिप उठा के ऐसे किनारा पे दबा देने का, सेम प्रोसेस में इधर भी एक स्टिप निकाल के किनारा पे दबा देने का, सेम ऐसे करते जाने का, हर एक स्टिप उठाने का और एक के ऊपर एक साइड से चिपका देने का। बहुत ही अच्छा मैट का जो फिनिशिंग वो आता है, देखिए बहुत अच्छा मैट फिनिशिंग आता है ना। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे बना पाएंगे, और किनारा अच्छी तरह से दबा देने का। सेम प्रोसेस में सारे मैट समोसा बना के तैयार कर लेती हूँ। समोसा तैयार हो गया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। गर्म होने के लिए रख दिया, जब भी हल्का गर्म होगा तभी सारे मैट समोसा को ऐड कर देती हूँ। एक साइड फ्राई होने के बाद फ्लिप कर लेती हूँ और दोनों साइड कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेने का। दोनों साइड अच्छी तरह से कलर आ गया और क्रिस्पी हो गया। अभी टिश्यू पेपर में निकल के रखती हूँ। टेस्टी क्रिस्पी मैट समोसा बन के रेडी हो गया, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग को एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।